कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी, सुदेश जी बोल रही है जी। जी, सुदेश जी कहाँ से बात कर रही हैं यमुनानगर से जी। जी, बताएं, सवाल करें। जी मैं ना खड़ी नहीं हो सकती, ऊंची चौकी पे बैठ के खाना बनाती हूँ घर का और सारा खराब है, काम मेरे कर से खाना नहीं बनता, मेरे टांगों में सहारा नहीं है, शरीर भी सारा वीकनेस में है, उम्र कितनी है आपकी? 61 साल, और घुटने में भी है, घुटनों का काढ़ा गोंद तो खा रही हूँ जी, पर मैं भी योगा करती हूँ तभी मेरे को आराम नहीं आया, अभी मैंने सुना। अच्छा, योगा कौन सा करती है? यही टांगों वाला करती हूँ जी, वो थोड़ा घुटनों की कर लो, साइकिलिंग वाली भी कर लो, थोड़ा सा 2-4 बार वो वेट लूज करने वाला भी कर लो। अच्छा, आप कब से गौंसिया ले रही हैं? गोंद सियार तो मेरे को 3 महीने हो गए जी, बस थोड़ा सा रह रहा, खत्म होने वाला है ठीक है, ठीक है। जी। अकीम साहब, अच्छा देखिए, अगर आपने वो एक्सरसाइज की जब ने बताई है, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकती। उस एक्सरसाइज से आप कभी ठीक नहीं हो सकती। गौंसिया खाएं, इसमें एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। टांगों की एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। जिसके कमर में, टांगों में, घुटनों में तकलीफ हो, उसकी एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। वो बिल्कुल रोक दीजिए और कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, अगर आप ये भी करती हैं। और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, अगर करती हैं तो रोक दीजिए। तब गौंसिया खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। जगवंत सिंह जी अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। वॉल्यूम कम करिएगा। हाँ जी, बोलिए, प्रश्न करें। प्रश्न ये है, मैंने अपनी पत्नी के लिए दवाई मंगवाई थी, एस केयर ठीक है और सियागोन। ठीक है, कैसी तबीयत है मैम की? उनकी तबीयत तो जैसी है वह, मैं थोड़ा सा वैद्य से बात करना चाहता कर था लीजिए जी। कर बात हो लीजिए। रही है, आपका बहुत हाँ बहुत जी, मैं स्वागत। जय हिंद। जय हिंद। हकीम साहब, मैंने अपनी पत्नी के लिए दवाई मंगवाई थी जी, ठीक है जी, बताइए, आगे बोलिए। तो वे ये कहना चाहती है, लो तुम बता दो आप, बोलो ना या तो। हेलो। हाँ जी, वो गोंद ना कड़वा नहीं लग गया, आपने गड़वा बताया था। तबीयत अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताइए। तो बस वैसी है, मुझे ना बीच बीच में पेन किलर लेनी पड़ती है, दर्द एकदम से ज्यादा सा घुटनों में बढ़ा लगता है, और कितने दिन से ले रहे हैं? 15 दिन से ले रही हूँ, आप ही के यहाँ से मंगाई है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है मैम जी। जी, बिल्कुल फिक्र ना करें। और हमारे यहाँ से आया है तो वो असली ही होता है। किसी किसी को कड़वी चीज़ें बर्दाश्त कर लेने की आदत होती है तो उसे कड़वा नहीं लगता। और अगर बहुत देर तक मुंह में रखेंगे तो इतना कड़वा हो जाएगा मुंह कि आपको बर्दाश्त नहीं हो। तो एक टाइम गौंसिया लीजिए और एक टाइम दूसरा कैप्सूल लीजिए, दो टाइम खाइए। इससे तकलीफ किसी को फौरन चली जाती है, किसी को 2-3 महीने लगते हैं। आपके पास ये मटेरियल है, छोड़िएगा नहीं, लगातार खाती रहिए, आपको भी फायदा होना मुमकिन है। जी। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। दयावती जी हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम, जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब जय हिंद, स्वागत दयावती जी का, बहुत बहुत। जी। भाई साहब ये जिसका मतलब गोंद सिया, तो ये ऐसा है, इतना खलबली मचा रखी है पूरे को, जिनको भी मैं देखती हूँ बड़ा आराम हो रहा है, लेकिन एक है ना लेडीज का 38 साल की है, तो ऊपर से नीचे पैरों में दर्द जाता है और गर्दन से सिर में दर्द जाता है, तो इसका क्या कारण है? वैसे गोंद सिया से उनको 2-4% आराम है 5 दिन में, वो ठीक कह रही है, थी जैसे नशे नशे फूल का सांप चलता है ना, ऐसे नशे चलती है उनकी ठीक है मैम ऊपर से नीचे हम बिल्कुल फिक्र ना करें। आप उन्हें दिलासा दें, 2-4% फायदा भी हो गया 2-4 दिन में। और गर्दन की एक्सरसाइज बताइए उन्हें कि गर्दन की एक्सरसाइज
रोज़ाना करें 3-3 मिनट या उससे ज़्यादा, और ये खाती रहें। ये गौंदसिया अपने ख़त्म होने से पहले किसी भी मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने की ताकत रखता है। जी, तो दर्शकों आतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज के देश भर में हैं, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सारे नुस्खे मौजूद हैं हकीम साहब की जुबानी। अगर आप किसी रोग से संबंधित हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, आपकी लाइव प्रोग्राम में बात नहीं हो पाती है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए, जिससे कि आप परेशान ना हो, आप यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आप सारे नुस्खे हकीम साहब के जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, और इसी के साथ सेहतमंद और स्वस्थ आप लोग रह सकते हैं। सभी के लिए हमेशा की तरह एक सतर्क और सावधान करने के लिए सूचना, अगर आपको कॉल आती है हकीम साहब के नाम से, तो ऐसी कोई भी कॉल हकीम साहब खुद नहीं करते हैं। कोई है जो हकीम साहब की आवाज़ निकाल के आप लोगों को कॉल कर सकता है। अगर आपको कहा जाता है मैं हकीम सुलेमान खान बात कर रहा हूँ, तो पर्सनली हकीम साहब कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ही उनसे बात कर सकते हैं। वो कॉल सिर्फ और सिर्फ फेक है, आप लोग ठगी के शिकार हो सकते हैं, आपका पैसा खराब हो सकता है, यहाँ तक कि नकली दवाइयाँ आपके घर पे पहुँच जाएंगी, जिनका साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी एक्शन आप लोग ले सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। हकीम साहब, जैसा कि कई बार क्या है, लोग बोलते हैं कि गौंदसिया का कलर थोड़ा सा नीला नीला सा हो जाता है, पूरा काला नहीं होता है, कुछ कहते हैं कि कड़वा नहीं हो रहा है, तो कई लोग ये बात बोल देते हैं कि उतना कड़वा नहीं है जितना आप कहते हैं, तो ऐसा भी क्यों है गौंदसिया के साथ? क्या लोग पहले से ही कड़वा इतना खा चुके होते हैं कि उनको स्वाद का पता नहीं चलता, या कई बार ऐसा होता है कि हल्का कड़वा ना हो? हनी, दरअसल ये एक गोंद है, अगर आपने मुंह में रख के फौरन पानी पी लिया, ठीक है, तो ये मुंह को बगैर कड़वा किए अंदर चला जाता है, ठीक है। अब कभी इसका कड़वाहट देखनी है तो अपने मुंह में थोड़ी देर इसे रखें, ठीक है। तो ये जितनी देर रहता है, मैं जब इसको टेस्ट करता हूँ, कभी टेस्टिंग है जो इसकी खास, तो वो मैं खुद करता हूँ, तो मैं अगर एकदम पानी पी लूंगा तो एकदम मुंह में पता ही नहीं चलता और मैं निगल लेता हूँ इसको, और अगर मैं थोड़ी देर अपनी जबान पर रखा रह दूंगा तो ये जितनी देर रखा रहेगा इतना ही कड़वा होता चला जाता है, इस ये फूलने लगता है, कड़वाहट जब ज़्यादा बढ़ती है तो ये फूलने लगता है और पानी को पी लेता है, पानी को पीता है तो पानी को निकालता भी है, वो पानी जब हमारी जबान या मुंह में टच होता है तो कड़वाहट बढ़ती है, तो किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि ये नीला सा हो गया, या तो जब ये पानी पी लेगा तो कुछ और कलर का हो जाएगा, वैसे ही देखने में भूरा सा होता है, इसे कहते गौंदसिया हैं, लेकिन ये काले रंग का नहीं बल्कि हल्का सा भूरे रंग का, जैसे ब्राउनिश सा होता है। तो गौंदसिया की पहचान बहुत अच्छे से हकीम साहब ने आपको बता दी है, कड़वा तो देखिए ये बेहद होता है, लेकिन जबान पे अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो कड़वेपन का एहसास आपको यकीनन होगा। कॉलर्स और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हिमाचल से हैं रमेश रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद रमेश जी। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करते हैं ना, ऐसे लगता है कि भगवान मिल गया हमें तो। जह नसीब, आप इतनी इज्जत करते हैं, आप खूब सलामत रहें, भगवान आपके सारे अच्छे काम पूरे करा दे। थैंक यू सर। मेरे दो सवाल हैं जी। मेरी 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी पहले, तो सर मेरे को मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। सर आपने गोंद जामुन बताया था, उनको डायबिटीज है, तो गोंद जामुन बताया था डायबिटीज है उनको, और सर उनको नजला भी है, तो मैंने उनके लिए ना वो सिरका मंगवाया था
जैसे कि मुझे नहीं पता था कि खट्टा होता है उसका कलौंजी का सिरका, तो मैंने सिरका इसलिए मंगवाया था कि आप इसमें यूट्यूब में बोलते हैं कि जैसे कि जिनको डायबिटीज तो मतलब सिरका दे सकते हैं, तो सर मुझे ये पता नहीं था खट्टा होता, उनको नजला रहता है, तो अब मैं उनको नजले के लिए क्या दूं, और जामुन गूंद से उनकी डायबिटीज बहुत कम हो गई है, कम मतलब 100 के आसपास हो गई है सर, तो क्या मैं 2 टाइम देती थी इसके उनके लिए, तो क्या 1 टाइम दूं या दोनों टाइम ही रखे रहूं, देती रहूं उनको? जी सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये सर मेरा है कि मैं टी केयर खा रही हूँ, 2-3 महीने हो गया मुझे फर्क है, मेरे ना ऊपर थाइस पे बहुत खचाव खचाव सा रहता है, और घुटने जो है ना सर, मेरे घुटने जो है उन कटोरियों के ऊपर, जैसे मैं घुटने को पलट यूज दूसरा करती हूँ मैं, मतलब एहतियात बरतती हूँ, आपने कहा था कि ये सारी एहतियात बरतनी है, मैं बरतती हूँ, तो जो कटोरियां है ना मेरी जो इसकी घुटने की, जब मैं घुटने को चौकड़ी मार के बेड पे बैठती हूँ तो उन पे ना हड्डियां सी निकल आती हैं। मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियां जो घिस रही हैं और उनमें से ना, जैसे सर मैं क्लीन करती हूँ, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करती हूँ, तो उनमें से आवाज आती है ऐसे चटक चटक की आवाज आती है। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप? जैसे साइकिलिंग करती हूँ, अरे अरे अरे, साइकिलिंग करती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे और मोड़ के भी बैठती हूँ, फिर सीधी करती हूँ टांग को, तब भी आवाज आती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 48 साल। ठीक है। और ये भी प्रॉब्लम है मुझे कि ना, जैसे कि मेरे जो नसे है ना वो बहुत नीली नीली सी हैं और उनमें थक्के थक्के से जम गए हैं, तो चलो मैंने हेल्पलाइन में बात करी थी कि थक्के का कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए कोई है कोई दवाई वगैरह सर ये बताइए मुझे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सर जी। देखिए, पहले तो बहुत मुबारक है आपके पति की डायबिटीज कंट्रोल में है, और आप जैसी पतिव्रता स्त्रियां सब लोगों को नहीं मिलती जो अपने पति के लिए इतने परेशान रहते हो, तो आपके पति बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें एक ऐसी पत्नी मिली जो उनका बहुत ख्याल रखती है। और देखिए, जो इस तरह के मरीज जैसे आप हैं, तो इन्हें साइकिलिंग नहीं करनी और टांगों की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर एक्सरसाइज होती तो मैं आपको ज़रूर बताता, तो एक्सरसाइज की ही वजह से आपको कम फायदा होता है, तो कोई भी एक्सरसाइज ना करें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, कुछ दिन ऐसे दवा खा के देखें कि आपको कोई भी टांगों की घुटनों की या कमर की एक्सरसाइज नहीं करनी। आप कुछ दिन ऐसे ही सादगी से दवा खा के देखें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगर आप मैं वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कम कर लें तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, ये जो नीली नीली नसों का इन्होंने जिक्र किया है, हमने कई लोगों की भी देखी हैं, दिखती हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है या ये किस चीज़ का सिम्टम है? अच्छा, देखिए नीली ही होती हैं नसें। हाँ, आप ये देखें मेरी नीली नीली नसें। जी जी, इनमें तकलीफ है और ये तकलीफ चली जाएगी तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा कि नीली हो रही है, नहीं तो नर्व को नीला ही होना चाहिए, और वो क्योंकि उसमें तकलीफ है तो वो ऊपर को उभरी हुई सी नज़र आ रही है। जिस दिन आपका ये दर्द कम होगा उस दिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। आरती शर्मा जी से बात कर लेते हैं, स्वागत है मैम आपका। आरती जी सवाल करिए मैम। मेरे पापा को शुगर रहती है। अच्छा, हाँ जी, ये उनको ना बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, वीकनेस वगैरह। उम्र कितनी है सर की उनकी? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते आरती, आपके पापा को शुगर है, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 55 साल है मैम। ठीक है जी। अच्छा देखिए, शुगर एक बार जिसको लग गई वो अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है। अगर कोई कहता है कि है जो शुगर को हमेशा के लिए ठीक कर दे तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा बेईमान आदमी है।
अभी तक पूरे संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो शुगर को परमानेंटली अच्छी कर दे। हाँ, इलाज बहुत है शुगर कंट्रोल करने के। एक दवा आपके पापा खाते होंगे, वो खाते रहें, और एक दवा मैं बताता हूँ। ये संसार की सबसे तेज़ असर दवा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको असली खरीद लें, ये नकली भी आती है। इसे कहते हैं जामुन का गौन। जामुन जो आप आमतौर पर खाते हैं, इसका गौंद आता है। गौंद जामुन ले लें और सिर्फ एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम खाने से पहले अपने पापा को खिला दिया करें। आपकी पापा की शुगर कंट्रोल रहना